Dear students, in this module, we are going to discuss a very interesting aspect of our personality, which is the society within us, the self and emotion as social control. जब भी हम आ, अपने आप को देखते हैं, आईने में चाहे देखें, या अपने आप को जज करें, या अपने आप को ऑब्जर्व करें, या हम अपना कथार्सिस करें, तो हमें अंदाजा होता है कि शायद हम इस दुनिया के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं हैं हम इस दुनिया में एब्सोल्युटली फ्री बीइंग नहीं हैं हमारे अंदर बहुत सी कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से हम बहुत से काम बहुत से एक्शंस करने में मजबूर हैं और बहुत से एक्शंस से जो है अपने आप को हम बचाते हैं या अवॉइड करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड द सोसाइटी विद इन अस That it's the society that becomes part of you, and you are always conscious about it. That how if I would behave in this way, how society would would perceive me. If I would behave that way, how society would label me, or how other people would judge me. So the self and emotion are important aspects of our, of the mechanism of social control, which refers to the mechanisms that. मेंटेन द सोशल ऑर्डर एंड कन्फर्मिटी बहुत अहम चीज़ है कि हम जब कलेक्टिव बिहेवियर की बात करते हैं और इंडिविजुअल्स के अंदर मौजूद एक प्रोपेंसिटी टू डेविएट की बात करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इंसान के लिए एक सेल्फ़ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म मौजूद है जो सोसाइटी सोशलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए उसके अंदर इनकलकेट करती है और अपना एक इमेज जो है वो या अपना एक आ, अपनी एक पर्सनालिटी जो है वो उसके अंदर बिल्ड कर देती है और इंसान कोई भी एक्शन परफॉर्म करते वक्त ये जहन में रखता है कि शायद दूसरे मुझे जो है मेरे इस एक्शन की वजह से जज करेंगे दैट हाउ पीपल आर गोइंग टू जज माय एक्शंस एंड प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान द कॉन्सेप्ट ऑफ फेस और रेपूटेशन इज़ अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल कंट्रोल फेस से मुराद ये है कि जैसे हम अमूमा अपने मुशरे में देखते हैं या बात करते हैं कि अच्छा अगर मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे लोग किस तरह से मुझे देखेंगे या ये काम करने से मेरी नाक कट जाएगी तो ये बहुत इम्पॉटेंट रिफ़्लैक्शनस हैं कि माशरा किस तरह से आपके अंदर रिज़ाइड करता है और हम हर वक्त माशरे के एक ऐसे खौफ के अंदर मुबतला रहते हैं जो हमारे लिए एक किस्म का आ, ना सिर्फ सोशलाइजिंग एजेंट रहता है बल्कि इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल फॉर अस सो इमोशंस सच एज शेम गिल्ट एंड फ़ियर कैन बी यूज एज़ सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म टू री द कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ बहुत से ऐसे काम हैं जिनको करने से हम जो कि गलत काम होते हैं जिनके करने से हम इस वजह से रुक जाते हैं कि हमें शर्म महसूस होती है हम गिल्टी फील करेंगे उसके हवाले से और पर्टिकुलरली हम मुआरे के रिएक्शन से खौफजदा होते हैं तो मुआरा जो है ये हमारे लिए एक इम्पॉटेंट मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल बन जाता है इट रिजाइड्स विदिन अस एंड इट गाइड्स अस इन दैट वे सो सोशल कंट्रोल कैन आल्सो बी एनफोस्ड थ्रू फॉर्मल मेकानिज़म सच एज़ द लॉज एंड रेगुलेशंस अगर आप गौर करें तो कवानी क्यों बनाए जाते हैं ये रूल्स एंड रेगोलेशन क्यों बनाए जाते हैं ताकि हमारी इम्पॉटेंट वैल्यूज़ जो पर्टिकुलरली जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तो ड्यूअल मैकेनिज्म सोशल कंट्रोल फिर इस तरह से एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है एक तो हमारे अंदर मौजूद होता है जिसको हम कॉन्शियंस या ज़मीर कहते हैं इट्स एमायल डरखाइम के अल्फाज में इसको कौशियाटिव या कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है द स्टडी ऑफ सेल्फ एंड इमोशन इन द कॉन्टेक्सट ऑफ सोशल कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टेंडिंग हाउ कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आर इंटरनलाइज्ड एंड री इन्फोर्स विद इन द इंडिविजल तो ये जो इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स और वैल्यूज़ है असल में यही जो है लेटर ऑन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मैकनिज़म ऑफ सोशल कंट्रोल बन जाता है जो हमें गलत कामों से या एंटी सोशल बिहेवियर से रोकता है सो सोशल कंट्रोल कैन बोथ प्रमोट एंड लिमिट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड एजेंसी तो एक तरफ तो ये इसका इफ़ेक्ट है कि ये हमारे लिए जो है आ, हमारी जो एप्सोल्यूट फ्रीडम है उसके ऊपर कदगन लगाता है एप्सोल्यूट फ्रीडम से मुराद ये है कि इंसान का जो दिल करे वो कर सके ऐसा हरगिज़ नहीं होता किसी भी माशरे में ऐसा नहीं होता क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक क्याटिक सिचुएशन पैदा हो सकती है ऑन दी अदर हैंड ये होता है कि हमारे जो पोटेंशियल्स होते हैं जो हमारे एक्सप्रेसिव पोटेंशियल्स होते हैं शायद इस एप्स इस कंट्रोल की वजह से लिमिटाइज भी हो सकते हैं तो एक बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन मैकनिज़म ऑफ सोशल कंट्रोल का ताकि एक इंडिविजुअल जो है एट द सेम टाइम वो इंडिविजुअल बींग भी रहे और एट द सेम टाइम वो एक कोलेक्टिव बीग भी रहे